ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 43। अनुसवनम तस्मिन् कालिंद्याः सलिले शिवे कृत्वा उचितानि आत्मनः कल्पित आसनः स्नात्वानुसवनं तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन् आत्मना कल्पितासनः। स्नान करके तीन बार कालिंदी नदी यमुना में जल में शुभ करके उपयुक्त बैठकर स्वयं का आसन बनाकर Translation. अनुवाद। नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य तीन बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। It appears from this statement that Guru Maharaj had already been instructed how to practice the eightfold yoga system, which is known as Ashtanga Yoga. This system is explained in our Bhagavad Gita as it is. The chapter is titled Sampur Yoga, page 319-322. It is understood that in Ashtanga Yoga one practices settling the mind and then concentrating it on the form of Lord Vishnu, as will be described in the following verses. It is clearly stated here that Ashtanga Yoga is not a bodily gymnastic exercise, but a practice to concentrate the mind on the form of Vishnu before sitting on the asana, which is also described in Bhagavad Gita. One has to cleanse himself very nicely. The water of the Yamuna is naturally very clean and pure, and thus if anyone bathes there 3 times, undoubtedly he will be very greatly purified externally. Now the Muni therefore instructed Guru Maharaj to go to the bank of the Yamuna and thus become externally purified. This is part of the gradual process of practicing mystic yoga. तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज को पहले ही अष्टांग योग विधि का अभ्यास करना
बता दिया गया था। इस विधि की व्याख्या हमारी पुस्तक भगवद्गीता यथारूप के सांख्य योग शीर्षक के अध्याय 6 श्लोक 11 से 15 में की गई है। अष्टांग योग में मन को स्थिर किया जाता है और फिर विष्णु के रूप में केंद्रित किया जाता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं, वरन विष्णु के स्वरूप के साथ मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। आसन में बैठने के पूर्व जैसा भगवद्गीता में कहा गया है, मनुष्य को नित्य स्वच्छ अथवा पवित्र जल से प्रतिदिन 3 बार अपने को शुद्ध करना होता है। यमुना का जल स्वभावतः अत्यंत स्वच्छ तथा शुद्ध रहता है, अतः जो भी इसमें 3 बार स्नान करता है निस्संदेह बाहर से वह अत्यधिक शुद्ध हो जाता है। इसीलिए नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे यमुना तट पर जाएं और बाहर से शुद्ध हो ले। योग अभ्यास की क्रमिक विधि का यह अंग है। नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। इस श्लोक से हम ये सीख रहे हैं कि हमें हमेशा बाहरी तौर से भी, मतलब शारीरिक स्वच्छता भी रखनी चाहिए। तो भक्ति युक्त सेवा करना है तो बाहरी तौर से भी स्वच्छ रहना आवश्यक है। इसका मतलब जो अनावश्यक कचरा वगैरह जो भी है, मल, वो नहीं रहता है हमारे पास। हर रोज सुबह 4 बजे के पहले उठकर अच्छे से स्नान कर स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनकर हर रोज मंगल आरती में आना ये बहुत आवश्यक है। तो इसके बाद फिर गुरु पूजा और श्रीमद् भागवतम कक्षा में आना भी बहुत जरूरी है। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे बताया कि दिन में 3 बार अच्छे से स्नान करो, तो ये उतना आवश्यक कैसे हो सकता है हमें लगता है। तो अच्छे से स्नान करना ये उतना आवश्यक नहीं लगता हमें, जप करना या बाहर जाके पुस्तक वितरण करना या वर्शिप करना, तो ये आवश्यक लगता है। तो लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद बताते हैं कि हमें बहुत गंभीरता से वो साधना जो प्रभुपाद ने दी है उसका पालन करना चाहिए। Of course, if you are staying in
हाँ, यदि आप परमहंस स्थाय में हैं तो फिर स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी परमहंस स्थाय में रहने पर भी वह व्यक्ति स्नान करता है या आचरण करके दिखाता है दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो साधन भक्ति हम आचरण कर रहे हैं तो इसलिए सभी को यह आचरण करना है, हर रोज अच्छे से स्नान करना, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे है और ये हमें उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अष्टांग योग के बारे में भगवद गीता यथारूप में इसका वर्णन है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अष्टांग योग कि जो पद्धति है पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया भागवत गीता के 6th अध्याय में। तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं हम, 11th श्लोक 6th अध्याय 11th श्लोक। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमिन मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। We can understand it's so difficult for us to imitate this Ashtanga Yoga system. तो ये पढ़ते ही हमें ये समझ में आता है कि ये इतना कठिन है, हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते इस पद्धति का। To sitting in this kusha grass and have this deer skin तो ये कुशा आसन और फिर मृग छाला, ये इसके ऊपर बैठना, ये मिलेगा कहाँ पे? The most important we need to found in a holy place without some disturbance. We can sit in properly do this Ashtanga Yoga exercise. तो कोई एक पवित्र स्थान पे, जैसे तीर्थ स्थान पे, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ पे हम एकांत में बैठ करके ये कर सकते हैं। But nowadays it's not possible. लेकिन अभी वर्तमान काल में तो ये संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद वर्तमान काल में जो नाम मात्र योगी इस तरह का अष्टांग योग विधि है इसको अनुकरण करना चाहते हैं तो उनका खंडन करते हैं प्रभुपाद। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद इस चीज़ का खंडन करते हुए तुरंत इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरण था, इस चीज़ को बताते हैं।
immediately from the first verse he spoke about this, that it's not possible to imitate this another symptoms when we have only one way, only one way, only one way. तो यहाँ पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद यह अष्टांग योग विधि इस कलयुग में संभव नहीं है यहाँ बता रहे हैं, और केवल एक ही एक उपाय है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, यह बता रहे हैं। The principles of the yoga system mentioned here are different from those of the popular so-called yoga societies. तो और आगे श्लोक के तात्पर्य में जहाँ पे ये वर्णन आता है कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना, यहाँ पे भगवान ने बताया कि इस योगी को क्या करना है कि अपने हृदय में भगवान का चिंतन करना है। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य बता रहे जो भगवान के भक्त होते हैं तो फिर वो तो वास्तविक योगी है, वो हमेशा भगवान के चिंतन में ही रहते हैं। And then this next verse, text number 15, is completely like smashed all this misguided theories. In the also last sentence, in other words, perfection of the yoga system is the attainment of freedom from material existence and not some magical jugglery or gymnastic feats to befool innocent people. टेक्स्ट नंबर 15 पर फिर आगे के श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। तो यहाँ पे पूरी तरह से इसको खंडन कर दे रहे हैं। मतलब अभी वर्तमान काल में इस भौतिक संसार में बहुत सारे तथाकथित ये योग विधान या ढोंगी गुरु ये सब बहुत चलायमान है। वो जो सामान्य लोग जो धोखा खाना चाहते हैं उनको धोखा देने के लिए ये लोग तैयार हो गए। Like Shri Prabhupada told this material world is this place for people who want to cheat and who want to be cheated. इसलिए प्रभुपाद बताते हैं संसार पूरा इन्हीं दो तरह के लोगों से भरा हुआ है, जो धोखा खाना चाहते हैं और उनको जो धोखा देने वाले हैं। Many people they want something cheap. और इस तरह से सभी लोगों को क्या चाहिए, कुछ ऐसी चीज जो बहुत सस्ते में मिले। And because of that many people this kind like some in great some bogus systems for cheated. तो ऐसे लोगों की कामनाएं पूर्ति करने के लिए ऐसे ढोंगी गुरु लोग आते हैं जो ये गलत गलत योग विधान लेकर के उनको सिखाते हैं। तो मुझे जहाँ तक मैंने सुना है भारत देश में भी ऐसे कोई होंगे संस्था या ढोंगी गुरु जो इस तरह के अष्टांग योग सिखाते हैं। यूरोप अमेरिका एंड रशिया इज आल्सो वेरी फेमस। लेकिन यूरोप अमेरिका रशिया में तो ये बहुत प्रसिद्ध है इस तरह का अष्टांग योग, बिकॉज़ दिस साउंड्स वेरी स्वीट, क्योंकि यह सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है वो लोग को। डू सम एक्सरसाइज लाइक प्रोपर टॉक यू कैन like touch your nose and close your nose and close your eyes and thinking about the same but the result of this you are snoring after some time. तो जैसे प्रभुपाद इस अध्याय के प्रवचन में बताते हैं कि वो वहाँ के लोग को जब ये लोग सुनते हैं कि ऐसे ऐसे व्यायाम करना है, एक हाथ से एक नाक को दबाओ फिर दूसरा दबाओ फिर ऐसे ऐसे सांस लो, तो ऐसे ऐसे करते फिर बाद में अंतिम में वो तो खराटे लगाने लगते हैं, मतलब सोने लग जाते हैं। This age is not working because we are not ready for this. Even Arjuna not ready for this. तो कलयुग में ये अष्टांग योग संभव नहीं है, हम तैयार नहीं है इसके लिए। We have another system and another way in this Kali Yuga.
कलयुग में हमारे लिए एक अलग विधान दिया गया है, वो है हरिनाम संकीर्तन। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज ये तो हमारे जैसे तपस्या नहीं कर रहे, वो अलग ही कर रहे हैं। But for us, it's also difficult to approach this stage. हमारे लिए ये आचरण करना संभव नहीं है और उस स्थाई पे पहुंचना भी संभव नहीं है। Like we have, I don't know, you have in English this book or not, but our good brother Paramahansa Prabhu wrote one book is how we can approach a level of samadhi. तो एक पुस्तक है, उसका हिंदी में अनुवाद है नहीं पता नहीं, तो अंग्रेजी में है, हम कैसे समाधि स्थाई तक पहुंच सकते हैं उसके बारे में वर्णन। दिस इज बुक अबाउट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये टाइटल तो ऐसा है, उसका शीर्षक कैसे समाधि में पहुंचना है, लेकिन उसके अंदर पुस्तक वितरण के बारे में बताया। इफ यू वांट टू बी कंप्लीटली इन समाधि यू मस्ट डू परफॉर्म दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी फॉर हरिनाम संकीर्तन। तो उसमें बताया गया यदि आपको आप समाधि में आना चाहते हैं तो आपको हमेशा पुस्तक वितरण करना पड़ेगा। तो ये मैं हमेशा मैराथन के समय में मैं पढ़ता हूँ पुस्तक, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है पुस्तक वितरण करने के लिए। तो यह पुस्तक पढ़ते हुए मुझे यह चीज़ समझ में आया कि ये जो पुस्तक है केवल वितरण करने के लिए ही नहीं है। यह पुस्तक से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और अपना जीवन परफेक्ट कर सकते हैं। There are many yogis who perform some austerities. तो उस पुस्तक में बताया गया है ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो बहुत तरह तरह की कठिन तपस्याएं करते हैं। Some of them can sit in summer time in very hot weather and make some fires around. तो कुछ लोग जो गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज गर्मी होती है उसमें भी चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठ जाते हैं। Some of them can sit in frozen water. और कुछ योगी ठंडी के दिनों में जहाँ पे पानी बहुत ठंडा रहता है, बर्फीला पानी, उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं। Some of them can drink one bottle of vodka for one moment. One bottle of? Vodka. Vodka. Whiskey. Whiskey. तो एक बॉटल विस्की एक ही बार पी जाते हैं। लेकिन ये हमारे लिए नहीं बताया गया। तो हमारी तपस्या क्या दी गई है, इस शरीर को ले जाके गलियों में सड़कों पे ले जाओ शरीर को, और ये जो भोगी रोगी योगी जो है इनको प्रचार करो। तो ये तपस्या हमें बताई गई है। ये जो तपस्या है गर्मी के दिनों में आग के बीच में बैठना या ठंडी के दिनों में बर्फीले पानी में जाना, ये तपस्या हमारे शरीर के लिए नहीं दी गई है। हमें तपस्या क्या है, जो इस तरह की तपस्या कर रहा है उसको जाके प्रचार करो। But we see in this Srimad Bhagavatam stories, Dhruva Maharaj, he performed another type of austerities. तो यहाँ पे हम ध्रुव महाराज के उदाहरण में देख रहे हैं, वे तो अलग ही प्रकार की तपस्याएं यहाँ पे आचरण कर रहे हैं। And Chaitanya Mahaprabhu very like the stories about Dhruva Maharaj and Parikshit Prahlad Maharaj. और यह लीला ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की ये लीलाएं चैतन्य महाप्रभु बारंबार इसका श्रवण करते थे। महाप्रभु
तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज की कथा चैतन्य महाप्रभु कितने सैकड़ों बार बारंबार वो सुने, 100 से भी अधिक बार। I don't know exactly the reason why he is thinking particularly this story, do you know? मुझे नहीं पता ये खासकर यही कथा वो क्यों बार बार सुने। But I think my speculations, but I think that he like to hear this because of the mood of this devotee that Dhruva Maharaj, he very greedy to approach Lord Vishnu by his austerities. जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ये समझ में आता है कि ध्रुव महाराज की जो उत्कंठा है भगवान विष्णु तक पहुँचने की, भगवान विष्णु को प्राप्त करने की, तो उस चीज़ के लिए ही चैतन्य महाप्रभु बारंबार इस कथा को श्रवण करते थे। Because when you perform some tapasya, Krishna he saw this, and even he maybe not directly he saw this like this particular occasion with Dhruva Maharaj, then demigods is coming and asked Vishnu, please stop him because basically everything became better. तो यहाँ इस कथा में आगे वर्णन आएगा, ध्रुव महाराज जब तपस्या करने लगे तो भगवान तो स्वयं नहीं आए, ना ही देखे इसके तरफ, लेकिन सब देवतागण जाके भगवान को बोलते हैं, भगवान कृपा करके इसको रोकिए, बहुत कठोर तपस्या कर रहा है। We also maybe don't have some pure motive for our devotional service, but still we try to do this is yagya, with maybe material desires, but after some time these desires also go finished. तो हम भी ऐसे ही, हाँ, जो योग विधान हमें दिया गया है हरिनाम संकीर्तन, तो अभी हमारे मन में भी ऐसे ही भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लगे रहेंगे ये साधना करते हुए हरिनाम संकीर्तन, तो धीरे धीरे हमारे मन में भी सारी इच्छाएं चली जाएगी। Like Dhruva Maharaj also he came with material desires, but after some time he is purified and he realized, why ask about these material desires if I can be with Krishna? तो ध्रुव महाराज भी शुरुआत में ऐसी भौतिक इच्छा को लेकर के ही भगवान के पास आते हैं, लेकिन जब वो पवित्र हो जाते हैं तो फिर वो धिक्कार करते हैं, मतलब मैं क्यों इस तरह की भौतिक इच्छा लेकर के भगवान के पास आया, जबकि मुझे भगवान का सानिध्य मिल रहा है, भगवान के साथ रहने को मिल रहा है। And in Prabhupada days, also we saw many, many devotees who performed this Sankirtan Yaga activity, and but who don't follow exactly this all rules and regulations like about purity or something like this. तो श्रील प्रभुपाद के समय में भी ऐसे बहुत सारे भक्त थे, वो संकीर्तन आंदोलन में जुड़े, लेकिन जो नियम हैं स्वच्छता रखना या नियम पालन करना वो सब नहीं कर पाते थे, फिर भी वो आंदोलन में थे। तो It was very difficult to follow all these rules and regulations for people who only a few days ago broken all rules and regulations and not follow nothing, no system. मतलब ऐसे लोग जो कुछ दिन पहले ही ये सब पाप कर्म जो सारे नियम है उसको तोड़ने वाले हैं, वैसे लोगों को तुरंत ये नियम कैसे पालन कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। But Prabhupada told us so many times that it's very, very important to follow these rules and regulations. लेकिन प्रभुपाद ने तो बताया कि इस नियम को पालन करना बहुत ही आवश्यक है। I want to read from Prabhupada another that does I don't know, maybe I can read in English few sentence and then I can give you, I can translate it. Yes. श्रील प्रभुपाद लीलामृत से कुछ विषय अंश पढ़ते हैं हम यहाँ से। 1974 का संदर्भ है, जहाँ पे प्रभुपाद को बहुत एक बीमारी थी प्रभुपाद को। He came to Vrindavan to
ओपन कृष्ण बलराम मंदिर। तब श्रील प्रभुपाद वृंदावन आए कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना करने के लिए। But the condition of this Krishna Balaram Mandir was completely short. So Prabhupada, because nothing is ready. तो कृष्ण बलराम टेम्पल की ओपनिंग करने प्रभुपाद आए, लेकिन जब आए तो मंदिर तो कुछ निर्माण हुआ ही नहीं। तो प्रभुपाद देख के आश्चर्यचकित रह गए। He invited many friends and his disciples to opening this Krishna Balaram Mandir, but when he came, he saw that it's completely nothing is ready. उन्होंने अपने गुरु भाई और सभी गुरु भाइयों को और अपने शिष्यों को पूरे संसार में सभी सेंटर से सबको बुला लिया था कृष्ण बलराम टेम्पल का ओपनिंग होने वाला है, लेकिन जैसे ही प्रभुपाद आके देखते हैं तो कुछ हुआ ही नहीं उधर। तब प्रभुपाद बहुत क्रोधित होते हैं। हाँ, तो तब एक बीमारी भी फैली, मलेरिया, सभी भक्तों में। And, many devotees have this disease. और बहुत सारे भक्त बीमार थे। And Prabhupada was, but Prabhupada had not like this material disease, he had like a shock his liver. प्रभुपाद को ये बीमारी आई, लेकिन प्रभुपाद ऐसा नहीं है कि भौतिक शरीर है और भौतिक बीमारी, वो तो अपने लीला में प्रस्तुत कर रहे हैं। So, Prabhupada explained that his illness was due to the sins of the ISKCON leaders, 80% of whom were not strictly following the rules and regulations, he said. Even in Vrindavan, some of the devotees were not regularly rising at 4 a.m. Since Prabhupada was speaking little, he had only briefly mentioned this cause of his illness, but brief as it was, it crushed his disciples. As for who was duty each disciple would have, to say for himself, but in the mood of, oh God, what have we done? All disciples of Vrindavan immediately became very attentive to the rules and regulations. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वो बहुत अधिक बीमार हो गए, और बीमार होने का कारण यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद कि मेरे बीमार होने का कारण यही है कि इस्कॉन के 80% लीडर्स चार नियम भी पालन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ वृंदावन में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वक्त तो सुबह 4 बजे तो उठ ही नहीं रहे, तो इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैं इसी वजह से मैं बीमार हो गया हूँ। तो जब ऐसे प्रभुपाद बोले तो सब शिष्य जो वहाँ पे थे वो सुनते ही वो भयभीत हो गए, ये हे भगवान हमने क्या कर दिया है। और फिर सब शिष्य वृंदावन में तुरंत प्रभुपाद हमारी वजह से बीमार हो जा रहे हैं यह जानकर वो तुरंत सब फिर सुबह सुबह उठना और मंगल आरती अटेंड करना ये सब वो तुरंत स्टार्ट किए। इट्स अमेजिंग, यू सी, वी रीड अबाउट दिस दैट द स्पिरिचुअल मास्टर टेक ऑल सीन्स इन द मोमेंट ऑफ इनिशिएशन। तो ये हम जानते हैं दीक्षा के समय में गुरु अपने शिष्य के सारे पाप हर लेते हैं। Also, Prabhupada mentioned that actually Krishna take these sins from disciples in this moment, but for him is no problem. But problem is for Guru. तो प्रभुपाद बताते हैं कि दीक्षा के समय भगवान स्वयं शिष्य के सारे पाप हर लेते हैं, तो उनको तो कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन गुरु को कष्ट होता है। And in this particular occasion, Prabhupada told 80% of his school leaders not follow rules and regulations. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि 80% इस्कॉन के लीडर्स नियम पालन नहीं कर रहे। And we can realize that of course if you not follow four regulatory principles it is completely not good. तो हम जानते हैं यदि हम 4 नियम पालन नहीं करें तो फिर ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। But Prabhupada told even devotees were not regularly rising at 4 a.m. और आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त हर रोज सुबह मंगल आरती के लिए नहीं उठ रहे हैं। You can see even this is small things, but it's very important. Prabhupada mentioned about this. तो कहने के लिए ये छोटी चीज लग सकती है, लेकिन प्रभुपाद इसको भी जोर दे रहे हैं। You can see also in Shri Upadeshamrita, Prabhupada told about this also four regulative principles. And
उपदेशामृत में भी प्रभुपाद इसी चीज का वर्णन करते हैं, चार नियम का पालन करना और हर रोज सुबह मंगल आरती के लिए उठना। But we can think it's external things, like this is unnecessary, some small things. लेकिन हम इसको ये छोटी सी बात क्यों बोल रहे हैं, ऐसे हम सोच सकते हैं। But it is not small things. ये छोटी ये कोई छोटा विषय नहीं है, प्रभुपाद बारंबार हर जगह इस चीज का वर्णन कर रहे हैं। Sometimes we also try to think about this rules and regulations that is something unnecessary and cheap. बहुत बार हम इस नियम पालन करना इस सबको बहुत सस्ते में लेते हैं, इसको बहुत चीप ले लेते हैं। But we are so fortunate that we have Srila Prabhupada and his instructions, but we can follow them and we can do spiritual life. लेकिन फिर भी हम बहुत भाग्यवान हैं कि श्रीला प्रभुपाद का संघ हमें मिल रहा है, उनके शिक्षाओं को पालन करते हुए हम खुश हैं जीवन में। तो प्रभुपाद प्रवचन में बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, आध्यात्मिक जीवन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सिर्फ हम आध्यात्मिक आनंद में हमेशा आनंदित रहते हैं। But we see so many disturbances there. Prabhupada came in Vrindavan and he was very angry because of this temple is not ready. तो प्रभुपाद तो ऐसा बता रहे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी है। प्रभुपाद वृंदावन आए हैं और प्रभुपाद बहुत क्रोधित हो रहे हैं, कुछ सेवा किया ही नहीं भक्तों ने। And then he had this very strong disease and all disciples was very astonished and they thinking their guru will die soon. और प्रभुपाद बहुत बीमार हो गए और प्रभुपाद की स्थिति देखकर भक्त सब भयभीत हो गए, प्रभुपाद लगता है तुरंत ही शरीर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो वर्णन प्रभुपाद ने दिया, प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, ये किधर दिख रहा है? ये तो पूरा दुखाल है अशाश्वतम, यही दिख रहा है। कितना डिस्टर्बेंस दिख रहा है। But why Prabhupada told devotees don't have disturbance, that he has understand Krishna is there. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त को कोई विचलन या डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि उसका मतलब भक्त ये चीज कभी नहीं बोलता कि कृष्ण मेरे साथ है। It's mean Prabhupada also just gave example when kitten and rat in the mouth of cat they feeling different different they have a different understanding of this. What? Yeah, the kitten and rat in the mouth of cat, like cat can catch kitten or rat. तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे बिल्ली अपनी किटन बच्चे को पकड़ती है वही मुंह से, और चूहे को वही मुंह से पकड़ती है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग फीलिंग है। चूहे के लिए मृत्यु है और बिल्ली के बच्चे के लिए जीवन, मतलब वो सुरक्षित समझती है अपने आप को। Because of that, Prabhupada told us that devotees and materialistic people they have different understanding of our activity. तो इसलिए इसी उदाहरण से प्रभुपाद समझाते हैं कि एक भौतिक व्यक्ति और एक भक्त का जीवन में बाहरी रूप से कार्य तो एक ही दिखते रहे, लेकिन बहुत फर्क है। And it's very important to be in Krishna consciousness every time. And for Paramahamsa stage, you no need to follow the rules and regulations. इसलिए नियम पालन करना, साधना अच्छे से करना बहुत जरूरी है। यदि आप परम हंस स्थाई में आ गए तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ता है। But for sadhana, who perform sadhana bhakti, it's very important to follow this system. लेकिन हम सब साधक हैं, साधना भक्ति हम कर रहे हैं, तो ये नियम पालन करना बहुत आवश्यक है। Even take a bath thrice a day. Take a bath? Take a bathing thrice a day. हाँ, जैसे यहाँ पे तात्पर्य वर्णन है, हर रोज तीन बार स्नान करना है। Yes, like Prabhupada told also in Bhagavad Gita that even in the month of Magga, yes, in January, February, even in this month when it is very cold, when the weather is very cold, you need to take a bath.
और प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में भी बताते हैं कि माघ महीने में जैसे जनवरी फरवरी बहुत ठंड बहुत अधिक होती है, फिर भी हमें सुबह उठकर स्नान करना होता है। तो ये तपस्या हमें खुद से लेनी चाहिए, खुद से करनी चाहिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, हम जब तक हमें तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या यदि हम करेंगे तभी हम भगवान को समझने के स्थाई तक पहुंच पाएंगे। तो भागवत में हम सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, यहाँ पे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तो ये सब तपस्या किए, तो हम देख सकते हैं। तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी के वर्णन में आता है, तो ब्रह्मा जी भी सुनते हैं पहले पहले शब्द तप। Okay, some questions, commentaries. किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जा। जा।